मिठी तो बगैर सिंगल ये जी प्याला तैयार हो रहा है नया। आप देखें प्याले में क्या क्या आइटम जा रहे हैं। माशाल्लाह जी ज़बरदस्त, क्या फूड कलर्स हैं इसके। ये आ गई इसकी चटनी, खट्टा पानी जिसको कहते हैं। ये प्याला तैयार है जी और ये गया कस्टमर के पास। बिल्कुल नहीं, थैंक यू। फोटो भी बनाई जी अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं ज़िया बलोच और आप देख रहे हैं ज़िया बलोच व्लॉग्स। आज के इस व्लॉग में हम एक नया स्मॉल बिज़नेस आइडिया लेके आए हैं और इस बिज़नेस आइडिया को स्पेशली कवर करने का मकसद आपको मुतारफ़ करवाना है कि आपके पास अगर कम पैसा है और कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप क्या कर सकते हैं और किस तरह का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हम मौजूद हैं एक लड्डू खट्टे के स्टॉल पे, जहाँ पे दही भल्ले भी होते हैं, लड्डू खट्टे भी होते हैं। और यहाँ बात करेंगे इस स्टॉल वाले भाई से। ये फैसलाबाद का झंग बाज़ार है, झंग बाज़ार के सेंटर में ये लड्डू खट्टे का जो स्टॉल है ये भाई ने लगाया हुआ है। इनसे बात करते हैं कि ये किस तरीके से ये बिज़नेस होता है, इनकी डेली की सेल क्या है और ये डेली का प्रॉफिट मार्जिन कितना है, और इसमें आगे चल के अगर कोई बंदा ये काम करना चाहे, ये कारोबार करना चाहे, तो किस तरीके से शुरू कर सकता है। हमारे साथ रहिएगा। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अच्छा ये जी आप देख रहे हैं लड्डू खट्टे का स्टॉल और हमारे साथ मौजूद हैं हसनैन साहब। हम बात करेंगे हसनैन साहब से और क्योंकि यहाँ पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। आप देखें कि कलरफुल चटनियाँ ज़बरदस्त किस्म की और साथ आप ये सैलड देख रहे हैं। ये क्या चीज़ है जी? पुनियाँ हैं और सेवियाँ और ये आपको नज़र आ रहे हैं जी लड्डू। ये यहाँ की काफ़ी पसंदीदा फूड आइटम्स में आता है, फैसलाबाद के फूड पसंदीदा फूड आइटम्स में। हम यहाँ से गुजरे तो काफ़ी रश था इनके पास कस्टमर का और काफ़ी सारे लोग खा रहे थे, तो इनका साफ ज़ाहिर ये चीज़ हमें बता रही थी कि इनका जो है टेस्ट की वजह से जो इतने लोग थे वो यहाँ पे मौजूद थे। तो बात करते हैं बाकी हसनैन साहब से कि वो कब से ये काम कर रहे हैं, कब से उन्होंने स्टार्ट किया और इसमें क्या उनकी डेली सेल होती है और इनकी जो डेली की प्रॉफिट मार्जिन है वो कितना है। अभी हसनैन साहब को एक ऑर्डर आ गया है तो वो ऑर्डर बनाने के इसमें बिज़ी हो गए हैं। अभी देखते हैं कि वो किस तरीके से प्याला तैयार करते हैं। ये जी प्याला तैयार हो रहा है, एक ऑर्डर आ गया कस्टमर का। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसनैन साहब क्या हाल हैं आपके? ठीक शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। हसनैन साहब हम देख रहे हैं आपके पास काफ़ी कस्टमर होता है माशाल्लाह, काफ़ी पसंद की जा रही है आपको ये लड्डू खट्टे। ये काम कब से कर रहे हैं आप? तकरीबन मेरा तो तीसरा साल है, बड़ा भाई 8 साल हो गए हैं उसे लगाते। इसी एक ही जगह पे लगाते हैं? ये पक्का स्टॉल है इधर हमारा, ये पीछे दुकान है, इधर गोदाम है, शहर में ही है, पास से ही आते हैं। अच्छा आपकी दुकानें भी हैं इस चीज़ की? जी जहांग रोड पे दुकान है, बिंडगमरी बाजार में, रेल बाजार में, कारखाना बाजार में, चिनियोट बाजार में, तकरीबन 8 बाजार में हमारी दो दो तीन तीन रेहड़ियाँ हैं। अच्छा टोटल कितनी रेहड़ियाँ हैं आपकी? तकरीबन 20-22 हैं।
20-22 रेहड़ियां हैं सिर्फ इस लड्डू खट्टे की जी, सिर्फ लड्डू खट्टे की। और वहाँ पे बाकी कौन लोग होते हैं, अब वो मुलाजिम है या खुद कर संभालते हैं उनको भी? कुछ मुलाजिम है, कुछ भाई हैं, भांजे हैं, भतीजे हैं, कजन हैं, खुद अपना ही बिजनेस है। तो मैं काफी सारा कस्टमर का रश देख रहा था और आपकी माशाल्लाह देख रहा हूँ कि फूड आइटम्स बड़ी साफ सुथरे किस्म के हैं आपके, तो इतने कस्टमर रश की क्या लॉजिक है आपके पास, क्यों इतना कस्टमर होता है? सबसे पहले तो मैार, सफाई, ये दो चीजें ग्राहक देखता है और ये दो चीजें हैं और इसकी वजह से माशाल्लाह सेल है काफी। 4 बजे आते हैं, 11 बजे घर जाना होता है, 11 बजे से पहले ही माशाल्लाह फारिग हो जाते हैं। अच्छा, ये जी हसनैन साहब बता रहे हैं और मैं खुद भी देख रहा हूँ यहाँ पे माशाल्लाह काफी सफाई है, आप खुद भी देख सकते हैं इनकी। ये जो इन्होंने ये ठेला है जी इनका, ये रेड़ी है जिसको हम स्टॉल भी कह सकते हैं, रेड़ी भी है, ठेला भी है, और काफी नफासत के साथ इन्होंने सजाए हुए हैं अपने आइटम जो कि कस्टमर को दूर से अट्रैक्ट करते हैं और कस्टमर का रश भी था इनके पास। और बाकी आपने हसनैन साहब के जबानी भी सुन लिया कि चूंकि ये सफाई देते हैं और साथ जायका देते हैं जिसकी वजह से इनके पास कस्टमर का रश होता है। ये शाम को 4 बजे आते हैं और रात के 11 बजे तक ये काम करते हैं, मतलब 7 घंटे के अंदर इनसे पता करते हैं कि ये कितना बिजनेस करते हैं। अच्छा हसनैन साहब, कितनी सेल हो जाती है डेली? माशाल्लाह काफ़ी सेल हो जाती है, 250 लड्डू आसानी से माशाल्लाह सेल हो जाता है। सेल हमें बताएंगे? सेल 12 से 17 हज़ार। 12 से 17 हज़ार माशाल्लाह, ये एक इस एक स्टॉल की इनकी 12 से 17 हज़ार सेल होती है। और जैसा कि हसनैन साहब बता रहे थे कि उनके तकरीबन कोई 20 से 22 स्टॉल हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में और दुकानें भी हैं जो कि सारे यही लड्डू खट्टे का काम करते हैं। अच्छा, अगर हम 12 से 17 हज़ार की सेल होती है आपकी स्टॉल से, तो इसमें सेविंग कितनी होती है? सेविंग हमारी हो जाती है कोई 6-7 हज़ार, 8 हज़ार भी हो जाती है बाज का, इतनी सेविंग होती है, बाकी हमारी लागत आ जाती है ऊपर। यानी इस एक स्टॉल से आपकी 7-8 हज़ार की सेविंग होती है डेली? जी। अच्छा जी, आप खुद अंदाज़ा करें ये 7-8 हज़ार की इस एक स्टॉल से इनकी सेविंग होती है, एक स्टॉल की बात, और इनके 20-22 स्टॉल हैं और सब पे यही सेल होती है हसनैन साहब? ये मुख्तलिफ है जगह के हिसाब से, ये अब बाज़ार है काफ़ी रश वाला तो सेल हो जाती है, बाकी बाज़ार के हिसाब से है, कहीं हमसे ज़्यादा कर रहे हैं, कहीं हमसे कम कर रहे हैं, और इसी हिसाब से सेल है। अच्छा जी, वाकई ये बात सही है, लोकेशन बड़ी इम्पेक्ट करती होती है इस बाज़ार में। ये जंग बाज़ार के सेंटर में खड़े हैं और यहाँ पे इनकी सेल जो है ये 12 से 17 हज़ार के दरमियान, और इनकी सेविंग जो है वो तकरीबन कोई 5 से 7 हज़ार के दरमियान इनकी डेली सेल है। माशाल्लाह ये बहुत से जॉब होल्डर से जो बड़ी बड़ी अच्छी जॉब करते हैं, बड़े बड़े मैनेजर्स हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, उन सबसे अच्छे हैं ये माशाल्लाह। और कितनी तालीम है हसनैन साहब आपकी? मैं फ़िलहाल ड्यूरिंग एजुकेशन हूँ, आज मेरा पेपर था फिज़िक्स का। आपने ये काम कहाँ से सीखा? बड़े भाई से। और बड़े भाई ने कहाँ से सीखा? अबू से। और अगर कोई बंदा ये काम स्टार्ट करना चाहे तो वो कहाँ से और कितने दिनों में सीख सकता है? हमारे पास सीख ले तकरीबन 1 माह में सिखा देंगे। 1 माह में सिखा देंगे आप? जी 1 माह फ्री सिखा देंगे? फ्री सिखा देंगे, बशर्तिया के आगे जो स्टॉल लगेगा उस पर लागत हमारी होगी और जो भी प्रॉफिट है वो 50-50। अच्छा जी, ये काम फ्री में सिखाएंगे लेकिन उनकी शर्त ये है कि आगे जो 1 महीने में काम सिखा देंगे लेकिन आगे जो स्टॉल लगेगा उसमें लागत इनकी होगी और उसमें जो मुनाफा होगा वो बंदा 50-50 इनके साथ करेगा, तो तभी ये काम सिखा देंगे। माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त ऑफ़र है इनकी तरफ से ये, और अल्लाह पाक इनके रिस्क में बरकत दे। और इस तरह का जैसे कोई बंदा अपना ये काम शुरू करना चाहे हसनैन साहब, तो वो कम से कम कितने पैसे से शुरू कर सकता है? तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपया सारा लगता है और ये तैयारी हो जाती है। ज़्यादा मेन चीज़ इसमें जो है वो पॉइंट है आपका, कि वो आपने पॉइंट क्या लेना है, अगर दुकान मिल जाए, दुकान है, रेडी है, अगर कहीं वैसे स्टॉल लग सकता है वैसे स्टॉल लगा लें, ज़्यादातर स्कूल्स के बाहर, कॉलेजेस के बाहर ये चीज़ बाज़ार से ज़्यादा वहाँ पर सेल होती है। अच्छा हसनैन साहब, हम सबसे कम उन लोगों को गाइड करना चाह रहे हैं जिनके पास सबसे कम पैसा, सपोज़ के किसी बंदे के पास 5,000 से 10,000 के दरमियान पैसे हैं, तो वो फिर ये काम शुरू कर सकता है? जी, वो अपना काम शुरू कर सकता है, ये तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपया लगेगा, वो अपना काम ही शुरू कर सकता है। 7 से 8 हज़ार में कोई भी बंदा, यानी कम से कम इतने पैसे में वो शुरू कर सकता है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको भी पता है कि किसी भी बिज़नेस में जितना ज़्यादा पैसा हो उतना ही ज़्यादा वो चीज़ ज़्यादा अर्निंग भी लाती है और ज़्यादा कारोबारी लिहाज से भी सूटेबल होती है। तो हसनैन साहब, अगर कोई बंदा 5 से 7 हज़ार में ये शुरू करता है तो वो अंदाज़ा फिर अपनी डेली की सेविंग उसे कितनी हो जाएगी? तकरीबन कुछ नहीं, 2,000-1,500 अपनी सेविंग करेगा रोज़ की।
अच्छा हसनैन साहब, आप हमें ये बताएंगे कि जो बंदा जिसके पास शुरू से कम पैसे हैं 7 से 8 हज़ार रुपये और वो ये काम शुरू करना चाहे तो वो शुरू तो कर सकता है, लेकिन उसे बचत क्या होगी इसमें? बचत उसकी हो जाएगी कुछ नहीं तो 1,000-1,500 वो अपना बचाएगा इसमें से ज़्यादा 1,000-1,500 शुरू करे और उसके बाद जैसे जैसे इम्प्रूव करेगा अपना काम मैार देगा, जायका देगा, उसके कस्टमर खुश होंगे तो इंशाल्लाह उसकी सेल भी ज़्यादा होगी। अच्छा दूसरी एक चीज़ हसनैन साहब मुझे ये बताएंगे कि ऐसे लोग जिनके पास पैसा कम है और बड़े परेशान हैं और उनका बहाना होता है कि हमारे पास ये पैसे नहीं हैं तो हम कारोबार कैसे करें, तो वो कम से कम आपने गाइड किया कि 5 से 7 हज़ार में वो शुरू कर सकते हैं, इस तरह के लोगों के लिए मज़ीद आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, कोई मैसेज कारोबार की कामयाबी के हवाले से? मैसेज उनको यही देंगे कि इन्ना मल आमाल बिन नियात, कि अमलों का दारोमदार नियतों पर है, आपकी नियत साफ़ है तो हर चीज़ ही आपकी है, इंशाल्लाह खालिस नियत से काम करें तो आपकी काफ़ी सेविंग होगी। अच्छा ये हमारे साथ थे हसनैन साहब जिन्होंने हमें मैसेज दिया जिससे मैं भी एग्री करता हूँ कि इन्ना मल आमाल बिन नियात, के अमाल का दारोमदार नियतों पर है, आप अल्लाह का नाम लेके नियत खालिस करके अपना काम शुरू करें तो इंशाल्लाह ये काम कामयाब हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी नियत में दो नंबरी है और अगर आप शॉर्टकट्स ढूंढते हैं और लोगों को मिलावट वाली चीज़ें देंगे तो उसी तरह का आपको सिला मिलेगा, तो अपनी नियत खालिस रखते हुए आप अल्लाह का नाम लेके कोई भी काम शुरू करें चाहे उसमें इन्वेस्टमेंट जितनी ही कम क्यों ना हो तो इंशाल्लाह कुछ ईयर से बाद आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। ये थे हमारे साथ हसनैन साहब और ये हसनैन साहब की टीम है, ये कारीगर भाई जो के बनाते हैं और इन्होंने मेरे लिए भी प्याला तैयार करके रखा हुआ है और उसको भी टेस्ट करते हैं। ये जी मेरा प्याला आ गया, इन्होंने तैयार करके रखा हुआ है, मैंने मना तो किया था लेकिन इन्होंने कहा कि जी ज़रूर टेस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। आपका क्या नाम है? लाहौरी। नाम क्या है? नाम ही लाहौरी है। नाम ही लाहौरी है जी भाई। आप जब भी आते हैं झंग बाजार में जी, आपको मैं भी कहूंगा कि ये झंग बाजार के ये जो लाहौरी लड्डू खट्टे हैं ये आपने जरूर टेस्ट करने हैं जी। बहुत शुक्रिया जी हसनैन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ जी। ये जी यहाँ पे कुछ कस्टमर भी हैं माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं काफी सारे, और कोशिश करते हैं कस्टमर रिव्यू देने की। सबसे पहले तो ये आप देख रहे हैं इतने क्यूट से कस्टमर हैं जी माशाल्लाह ज़बरदस्त जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भैया? क्या हाल है जी आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देख रहा हूँ आप और आपके जो जूनियर हैं बड़े शौक से और बड़े इनहमाक के साथ ये खा रहे हैं, क्या खास बात है इसमें? जी इसकी सबसे अच्छी खास बात ये है कि चीपेस्ट हैं, सबसे पहली बात बहसियत इस माशरे के सिटीज़न सस्ते भी हैं और मियारी भी हैं। मियारी क्यों है ये देख रहे हैं, बच्चा माशाल्लाह 1.5 साल का है, ये खा रहा है तो इसको मिर्ची नहीं लग रही, हालांकि आपने देखा इसके उधर मिर्ची स्पेशल मिर्ची कितनी खूबसूरत तरीके से उन्होंने सजाई हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद मिर्चें लग नहीं रही क्योंकि इन्होंने जो इसके अंदर अमेजिश है ना वो बड़ी मौतदर रखी हुई है, यानी कि बच्चे भी खा सकते हैं बड़े भी खा सकते हैं और इतने शौक से खाते हैं माशाल्लाह। ये बच्चा भी, ये जो मेरा बड़ा बच्चा है ये भी खा रहा है, बेटा बीमार है, घर में रोटी नहीं खा रहा था, इधर आके लड्डू बेड़े खा रहा है। इट्स मीन कि ये टेस्टी भी हैं, म्यारी भी हैं, टेस्टी भी हैं, सस्ते भी हैं, इट्स मीन एवरी पर्सन कैन बी गेट इट। ओके जी थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ ये कस्टमर जो कि आप देख सकते हैं बच्चों को भी साथ ले हैं और ये उनको भी खिला रहे हैं, उनके बकौल ये सस्ते भी हैं, मेयारी भी हैं, साफ़ सुथरे भी हैं, बच्चे हमारे खाते हैं तो बच्चों को भी कोई ये नुकसान नहीं होता, साइड इफ़ेक्ट्स इसके कोई नहीं होते। ये दो और कस्टमर हैं हमारे साथ, ये भाई ये देखें ये खा रहे हैं वही लड्डू खट्टे, अब इनसे पूछते हैं कि इसमें क्या ख़ास बात है, बड़े शौक़ से ये भी खा रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई जी, क्या हाल है आपके? ठीक है। बड़े शौक से लड्डू खट्टे खाए जा रहे हैं, क्या खास बात है इसमें? वैसे इनका टेस्ट है। टेस्ट है जी। कितने का प्याला लिया है आपने? 100 रुपए का। 100 रुपए का, वाओ जबरदस्त जी। ये देखें आप, टेस्ट है, टेस्ट की वजह से ये भाई आए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? क्या खास बात है इस लड्डू खट्टे में? अच्छे हैं, स्पाइसी हैं और टेस्ट में अच्छे हैं, इनका नुकसान कोई नहीं है। अच्छे हैं, स्पाइसी हैं और ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट है। ये देखें बड़ी दूर तक कस्टमर सारे, ये सारा कस्टमर है जी, ये आप देख सकते हैं ये कस्टमर है।
अच्छा हसनैन साहब से हम एक और चीज़ पूछेंगे। हसनैन साहब, ये जिस तरह का मैं देख रहा हूँ ये स्टॉल जैसे आपने मेंटेन की है, जिस तरह का ठेला और सामने शीशा लगवाया हुआ है, इस तरह के स्टॉल को बनाने पे कितना खर्चा आता है? ये हमारी तो रेडी जो है 80,000 रुपये की है। ये बहुत ज़्यादा रिपेयर की हुई है क्योंकि पानी वगैरह इसमें दाखिल होता है। ऊपर स्टील की चादर है, नीचे लकड़ी जो है मजबूत है, ऊपर काउंटर है 30,000 से 40,000 का सिर्फ काउंटर या बगैर शीशे के। तो ये तो हमें 8-10 साल हो गए हैं इसलिए यहाँ तक पहुँच गए हैं। जो नए नए हैं वो अभी छोटी छोटी पे ही हैं। अच्छा, जो नए नए हैं तो वो किस चीज़ पे करते हैं और उनके स्टॉल कितने पैसों से अंदाज़ा बन जाते हैं? उनके तकरीबन 10 से 12 हज़ार में काबिले दीद बन जाते हैं। ये जी इनके स्टॉल पे जो तकरीबन वो बता रहे हैं हसन साहब, 70 से 80 हज़ार उनका स्टॉल पे खर्चा आया है क्योंकि इन्होंने काफ़ी इसको वो बनाया है। और जो नए नए लोगों ने, इसके अलावा भी जो इनके स्टॉल हैं जो नए नए इन्होंने बनाए हैं, उस पे 10 से 12 हज़ार में काबिले दीद स्टॉल बन जाता है। तो ये भी हमने आपको आइडिया दे दिया स्टॉल बनाने का भी। और आप देख सकते हैं काफ़ी, वैसे भी ये लड्डू खट्टे का वाला जो काम है ये फैसलाबाद में काफ़ी इसको पसंद किया जाता है जी। काफ़ी सारे इसके स्टॉल हैं और 20-22 स्टॉल जो हैं खाली हसनैन साहब के हैं।